तो हेलो गैस, कैसे आप सभी लोग? तो वहाँ पर आ चुके हैं GT5 की एक और नई वीडियो के साथ, अपनी इंडियन कार वर्सेस सुपर कार की एक और खतरनाक वीडियो के साथ। और गैस, आज हम लोग करने वाले अपनी इंडियन कार वर्सेस सुपर कार्स का यार यहाँ पे खतरनाक वाला स्टेज चैलेंज। तो गैस, आज का स्टेज चैलेंज गैस वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो मैं आप लोग को पहले जो भाई सीढ़ियाँ हैं वो दिखा देता हूँ। तो गैस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे भाई, ये खड़े अपनी इंडियन कार्स, अपनी सुपर कार्स। और गैस, ये हैं अपनी स्टेयर्स। और गैस, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सिंगल नहीं गैस, डबल डबल स्टेयर्स हैं। यानी कि भाई अपनी गाड़ियों को दो दो सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो गैस, पहले भाई जो अपनी गाड़ियाँ हैं भाई, वो यहाँ से जाएंगी, ये वाली फ्लोर को चढ़ेंगी। उसके बाद भाई यहाँ पे एक और फ्लोर है भाई, इसको भी चढ़ना होगा। उसके बाद भाई जो भी गाड़ी अपनी यहाँ पे पहुँच जाएगी वो हो जाएगी अपने चैलेंज में पास। तो गैस, देखते हैं यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा आप आती है, अपनी इंडियन कार्स या फिर अपनी सुपर कार्स, या फिर भाई सारी की सारी आ जाएंगी यहाँ पे। देखने हैं क्या होता है यहाँ पे। तो भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो लेट्स गाइस, यहाँ पे जो पहली गाड़ी देने गाइस, ये अपनी महिंद्रा थार भाई, अपनी ऑफ रोड किंग। और देखने गाइस अपनी थार है यहाँ पे यार, ये कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो लेके चलते हैं इसको। वैसे थार के हिसाब से सीढ़ियों का साइज ज्यादा मतलब है नहीं भाई, बहुत ही आराम चढ़ जाने चाहिए इसके। और भाई देख तो गाइस, काफ़ी इजी जो अपनी थार है यहाँ पे चढ़ रही है, और मेरे हिसाब से कैसे काफ़ी आराम से ऊपर तक पहुँच जाएगी। और भाई कैसे हिल रही है यार, क्या बात है गैस, थार भाई काफ़ी बढ़िया। तो भाई देख सकते हो भाई, इसको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी पड़ रही ऊपर पहुंचने। तो भाई अब बारी आती है यहाँ पे अपनी सेकंड वाली स्टेज की, और देखते हैं गैस यहाँ पे क्या होता है। ओहो क्या बात है भाई, जो देख रहे हो गैस, जो थार यहाँ पे कैसे हिल रही है। ओहो भाई, पूरी थार अपनी यहाँ पे काँप रही है, और गैस एक ही बार में ऊपर पहुँच गई है बिना लड़े। तो गैस, ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो अपनी थार ना काफ़ी बढ़िया है इस मामले में। तो इसको मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और भाई लेता अपनी सुपर कार को। तो गैस, अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक सुपर SUV की, और यह गैस अपनी G-Wagon। और भाई इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग देख पा रहे हो गैस, काफ़ी बढ़िया है वैसे। तो लेके चलते हैं G-Wagon को, देखते हैं गैस अपनी G-Wagon क्या यहाँ पे ऊपर पहुँच पाती है कि नहीं। और राइट गैस, ये चली अपनी G-Wagon यहाँ पे। ओहो गैस, यहाँ पर G-Wagon देखते भाई काफ़ी स्मूथली चल रही है। वैसे यार हिल तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रही है हमें, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं। क्या बात है, क्या बात है गैस, पहली वाली फ्लोर तो काफ़ी इजी चढ़ गई। तब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है गैस, यहाँ पे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हिलती है। और राइट गैस, ये चीज़ G-Wagon यहाँ पे। ओहो हो, तो गैस ये भी काफ़ी ज़्यादा हिल रही भाई, जैसे भूकंप आ रखा होगा पूरा पूरा गाड़ी के अंदर। और फाइनली गैस जो अपनी G-Wagon है, ये भी काफ़ी आराम से पहुंच चुकी है भाई। इंडियन कार्स को हम लोग वहाँ पे पार्क करेंगे, अपनी सुपर कार्स जो है गैस इनको यहाँ पे पार्क करेंगे। तो राइट, G-Wagon को मैं यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गैस, अब बारी आती है यहाँ पे अपनी लेटेस्ट स्कॉर्पियो, अपनी स्कॉर्पियो N की। और देखते हैं गैस अपनी स्कॉर्पियो N है क्या यहाँ पे ऊपर पहुँच पाएगी कि नहीं। वैसे यार ग्राउंड की बात की जाए तो अपनी स्कॉर्पियो N भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है, तो लेके चलते हैं स्कॉर्पियो N को यहाँ पे। और राइट, ये चलिए अपनी स्कॉर्पियो N यहाँ पे। ओहो भाई, ये वाली गाड़ी काफ़ी रही बार, अंदर बैठ के देखते हैं गैस अंदर से कैसा लगता है। और गैस देख पा रहे गैस, ओ भाई अंदर से कितना ज़्यादा हिल रहा है भाई सब कुछ। ओ भाई, यहाँ पे आ चुका है सेकंड वाला फ्लोर, और यहाँ पे देखते हैं। ओहो हो भाई यार, बहुत ही ज़्यादा माइकल की मुंडी भाई इतनी हिल रही भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बाहर ही देखना पसंद करूँगा यहाँ पे। और गैस देख सकते हो यार, जो अपनी स्कॉर्पियो N है भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। और लाइट गैस, काफ़ी आराम से अपनी स्कॉर्पियो N भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो मैं इसको बिना जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस, अब बारी आती है यहाँ पे अपनी फोर्ड मस्टैंग GT की। और आप लोग यार अच्छे से ही जानते हो यार अपनी मस्टैंग GT को, तो गैस देखते हैं जो अपनी मस्टैंग है यहाँ पे यार कैसा परफॉर्म करती है। और लाइट गैस, यहाँ पे अपनी फोर्ड मस्टैंग है भाई, आप लोग देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नीचे चल रही भाई, मतलब कि थोड़ी सी भी यार और होती अगर ये नीचे, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे लड़ सकती थी। तो अभी ऊपर लेके चलते हैं इसको। और राइट गैस, गाड़ी अपनी काफ़ी मज़े से चल रही है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बस भाई एकदम ना पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी अगर हल्की सी नीचे होती तो भाई पक्का भाई लड़ने वाली थी। तो अब इसको यहाँ पे पहला फ्लोर तो चुका है, आगे लेके चलते हैं। ओ भाई, थोड़ा सा थ्रॉटल दो भाई, गाड़ी तो यार एकदम यार आसमान को चूमना चाह रही है। और यहाँ पे भी गैस भाई, कहीं ना खटखट की आवाज़ आई, शायद से गाड़ी नीचे थोड़ी सी लड़ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं लड़ रही, लेकिन भाई कितनी उछल रही यार ये वाली गाड़ी यार, इसकी सस्पेंशन सच में काफ़ी ज़्यादा नीचे है भाई, तो मैं इसको भी ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस, अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और इंडियन कार की, और ये है गैस अपनी टाटा की हैरियर। और देखने भाई, जो अपनी हैरियर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और राइट गैस, ये चलिए अपनी टाटा हैरियर यहाँ पे। ओके गैस, अपनी हैरियर जो है भाई काफ़ी बढ़िया चल रही है यहाँ पे, क्या बात है गैस। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, अपनी हैरियर भाई काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी आराम से चलेगी, क्या इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस, मुझे लग नहीं रहा कि भाई ये वाली गाड़ी बिल्कुल भी यहाँ पे टच होने वाली। तो भाई पहला फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर पे देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट यार, यहाँ पर अपनी हैरियर भाई देख, ओहो कैसे हिल रही भाई ये वाली गाड़ी भी। तो गाइस, यहाँ पर जो अपनी हैरियर भाई, ये काफ़ी ईजिली ऊपर तक पहुँच गई, मुझे ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दबाना पड़ा इसके लिए भी।
मैं इसको भी ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी काफ़ी महंगी गाड़ी अपनी रोल्स रॉयस की, और मेरे हिसाब से इसके सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया होने चाहिए क्योंकि यार गाड़ी तो आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी महंगी कार रही है। और ये चली गैस अपनी रोल्स रॉयस यहाँ पर, और इतने गैस सस्पेंशन के कैसे हैं, काफ़ी स्मूथली जा रही यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जा रही यार, क्या बात है गैस, क्या बात है भाई। यहाँ पे जो अपनी रोल्स रॉयस है भाई ये काफ़ी कमाल की चल रही है भाई। मैंने सोचा भाई रोल्स रॉयस इतने इजीली जाएगी और कहीं ना कहीं आगे से टच हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और आगे लेके चलते हैं इसको, और आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पर भाई अपनी रोल्स रॉयस भाई इतना ज़्यादा नहीं हिल रही यार, मतलब कम हिल रही गाइस अगर कंपेयर किया जाए बाकी गाइस से, भाई काफ़ी कम ये हिल रही थी। तो फाइनली अपनी रोल्स रॉयस यार ये भी ना ऊपर पहुंच चुकी, तो मैं इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा सफारी डाइकोर की, और भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो यार बात ही मत करो भाई, इतनी ज़्यादा ऊँची गाड़ी की भाई कोई भी कमी नहीं है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ये चलिए भाई अपनी टाटा सफारी डाइकोर यहाँ पे, ओहो क्या बात है गाइस, देख रहे हो कैसे भाई भाई उछल कैसे रही यार ये गाड़ी यार, इसके सस्पेंशन तो काफ़ी ज़बरदस्त है यार, मैं तो कहूँगा भाई इसके आगे तो यार रोल्स रॉयस अपनी फेल है भाई, देख रहे हो कितनी स्मूथली जा रही है भाई ये गाड़ी, एकदम मक्खन की तरह जा रही है यार, क्या बात है क्या बात है यार। ओ ओ ओ ओ, ओ आराम से आराम से आराम से, ज़्यादा जोश नहीं यहाँ पे। ऑल राइट गाइस यहाँ पे भाई मुझे मेरा इंडियन कार का विनर भाई दिख रहा है भाई काफ़ी ईजिली भाई, देख रहे हो कितनी स्मूथ जा रही है यार, कितनी ज़्यादा स्मूथ, कैसे यार जब ये डाइकोर है इसके सस्पेंशन सच में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थे यार, तो मैं इसको भी जो है जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी पोर्श की, और देखते हैं गाइस हमारी पोर्श यहाँ पे यार ये कैसा परफॉर्म करती है। और राइट गाइस ये चल रही है अपनी पोर्श यहाँ पे, और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है अपनी पोर्श की, क्या बात है यहाँ पे आज अपनी पोर्श है भाई, ये भी काफ़ी स्मूथली तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी नीचे गाइस आप लोग देखते हो ऑलमोस्ट टच होते होते रह जा रही है भाई ये गाड़ी, भाई कितनी ज़्यादा क्लोज है यार, कितनी ज़्यादा क्लोज है ज़मीन के, और भाई हिल तो भाई बहुत ही ज़्यादा हिल रही है गाइस अपनी पोर्श यहाँ पे यार, देख सकते हो भाई कैसे कांप रही है अपनी गाड़ी। और राइट और ऊपर लेके चलते हैं इसको और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे गाइस अपनी पोर्श भाई ये बहुत ही ज़्यादा हिल, मतलब इसके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है यहाँ पे, लेकिन गाइस जो गाड़ी अपनी ये ऊपर पहुँच चुकी है तो मैं इसको भी ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब आ रही थी यहाँ पे अपनी बीस्ट कार अपनी फोर्ड की एंडेवर की, और इतने गाइस हमारी एंडेवर यहाँ पे ये कैसा परफॉर्म करती है। और राइट गाइस ये चलिए अपनी एंडेवर यहाँ पे, और देखते हैं गाइस कैसे सस्पेंशन इसके, क्या बात है गाइस अपनी एंडेवर मुझे लग रहा है गाइस काफ़ी स्मूथली ऊपर पहुँचने वाली यार, एक तो वाली गाड़ी काफ़ी हैवी है यहाँ पे, लेकिन ओहो क्या बात है गाइस यहाँ पे अपनी एंडेवर यार काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जा रही, लेकिन भाई मैं एक बार बोलना चाहूँगा यहाँ पे जो अपनी डाइकोर है भाई वो कुछ ज़्यादा ही स्मूथली जा रही थी। फिलहाल यहाँ पे लेके चलते हैं गाइस देखते हैं सेकंड फ्लोर पे क्या होता है। ओहो तो गैस यहाँ पे गैस आप लोग देख पा रहे हो गैस जो अपनी एंडेवर है भाई काफ़ी आराम से जा रही है भाई, ताकत तो बिल्कुल नहीं लगानी पड़ रही है, लेकिन भाई हिल तो यार ये वाली गाड़ी भी रही है यहाँ पे अपनी। तो गैस फाइनली जो अपनी एंडेवर है ये भी पहुँच चुकी है ऊपर अपने फिनिश पॉइंट पे, तो मैं इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी बेंटले की, और देखते हैं गैस भाई बेंटले है यहाँ पे यार ये कैसा परफॉर्म करती है। और राइट ये चली हमारी बेंटले यहाँ पे, और देखते हैं गैस में वो भाई कितनी नीची है यार ये, ओहो चढ़ रही है भाई चढ़ रही है बिना किसी दिक्कत के चढ़ रही है अपनी पेंटे, लेकिन भाई ये वाली गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीचे यार। और यार देख तो कहती बेंटले भी यहाँ पे अच्छी खासी हिल रही है, हिल तो रही है भाई ये वाली गाड़ी भी हिल रही है यहाँ पे। और ऊपर लेके चलते हैं देखते हैं गाइस और ऊपर क्या होता है इसके साथ, और ये पहुँच गई ऊपर, और देखते हैं यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस गाइस, देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा उछल रही है यार यहाँ पे बेंटले भी, वो भाई बहुत ही ज़्यादा उछल रही है, लेकिन अगर ऊपर पहुंच गए तो मैं इसको भी ना जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV 700 की, और देखते हैं गाइस हमारी XUV 700 यहाँ पे कैसी परफॉर्म करने वाली है। और लेट गाइस ये चलिए महिंद्रा की XUV 700, और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई भाई चढ़ने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यार इसके सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो भाई गाड़ी अपनी कैसे उछल दी यहाँ पे। ऑल राइट क्या बात है ऊपर तो भाई पहुँच जाएगी बिना किसी दिक्कत के, ओहो कितनी उछल रही है गाइस कितनी उछल रही है, इसको आराम से लेके चलते हैं। और भाई आपने XUV 700 भाई ये भी ऊपर पहुंच चुकी है, तो मैं अभी इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी काफ़ी दमदार सुपर स्पोर्ट कार की यार, ये है अपनी लैम्बोर्गिनी सियान, और देखते हैं ओ भाई क्या ही ड्रिफ्ट मारती है भाई ये गाड़ी। और राइट ये चलिए अपनी सियान यहाँ पे, और भाई सियान भी यहाँ पे ऊपर चढ़ रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और देखते हैं गाइस ओ यार यहाँ पे सियान में सस्पेंशन नाम की तो शायद चीज़ ही नहीं है, ओ भाई लेकिन पटाखे बहुत मार दी यार ये गाड़ी, लेकिन ऊपर पहुंच जाएगी मुझे इस पे इतना तो भरोसा है यहाँ पे। और बच गई भाई बिड़ते बिड़ते,
ऑल राइट भाई देख लो भाई कैसे हिल रही भाई, इसके अंदर मैं ज़रूर बैठना चाहूँगा यहाँ पे। ओ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, सब कुछ धुंधला से दिख रहा है। वो ऊपर पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए। तो सियान के सस्पेंस आपने देख ली भाई, कितने ज़्यादा हार्ड है यहाँ पे। तो मैं जल्दी से अपनी सियान भी ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपने स्कॉर्पियो S11 की, और देखते हैं गैस अपनी S11 है यहाँ पे आज ये कैसा परफॉर्म करने वाली है। और राइट गैस ये चलिए अपनी स्कॉर्पियो की S11 यहाँ पे, और देखते हैं गैस इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। 20 की स्पीड से जा रही है अभी, और मैं इसको जानबूझ के आराम से लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ भाई ये गाड़ी कितनी चलती है यहाँ पे। ऑल राइट गाइस यहाँ पे जो अपनी S11 है यार, ये तो भाई इतनी ज़्यादा नहीं उछल रही, मैं यही कहूँगा भाई इतनी ज़्यादा नहीं उछल, लेकिन भाई फिर भी अच्छी खासी यहाँ पे ना। वो भाई यहाँ पे तो भाई सेकंड फ्लोर पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा उछल रही यार ये भाई साहब। लेकिन भाई ऊपर पहुँच चुकी है बिना किसी दिक्कत के, तो मैं इसको भी ना यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी निसान GT-R की, और इतने गाइस भाई GT-R यार यहाँ पे आज ये कैसा कमाल करने वाली है। और राइट गाइस अपनी सुपर स्पोर्ट कार निसान GT-R यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीची है भाई, बहुत ही ज़्यादा नीची है। ओहो हो 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 अच्छा खासा उछल रही है यार ये तो, बहुत उछल रही है। जो अपनी मतलब कि स्पोर्ट्स कार ना इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती कि भाई सस्पेंशन ट्रैवल बिल्कुल भी मिल पाए उनको, तो इसी वजह से ना यार ये बहुत ज़्यादा उछलती है। लेकिन भाई भागने के लिए तो यार ये गाड़ी एकदम एक नंबर है भाई। और लड़ गैस यहाँ पर जो अपनी GT-R भाई ये बिना किसी दिक्कत की और पहुँच जाएगी, लेकिन भाई आप लोग देख पा रहे हो भाई कितनी बुरी तरीके से हरी वाली गाड़ी भी उछल रही है यहाँ पे। तो ये भी अगर पहुँच चुकी है तो मैं इसको भी यहाँ पे भी पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी देसी गाड़ी अपनी महिंद्रा बुलेरो की, और देखते हैं गैस अपनी बुलेरो है यहाँ पे ये कैसा परफॉर्म करती है। और राइट ये चली भाई अपनी महिंद्रा की बुलेरो यहाँ पे, और देखते हैं गैस जो बुलेरो है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। ओहो क्या बात है, क्या बात है कहनी, बुलेरो अपनी देसी गाड़ी भाई काफ़ी बढ़िया चल रही है भाई, उछल तो वाली गाड़ी भी रही है थोड़ी बहुत, लेकिन भाई सीढ़ियाँ चढ़ने में इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब सेकेंड वाली मतलब देखते हैं भाई सेकंड वाले फ्लोर पे इसको क्या होता है। ओहो यहाँ पे भाई ये गाड़ी भाई देख रहे हो कैसे चल रही है यार, क्या बात है। ले भाई ऊपर तो भाई पहुँच जाएगी बिना किसी दिक्कत के, और पहुँच भी गई है। तो मैं जल्दी से अपनी बुलेरो को भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और सुपर स्पोर्ट कार की अपनी फरारी 488 स्पाइडर की, और देखते हैं गैस भाई स्पाइडर है यहाँ पे यार ये कैसा परफॉर्म करती है। और राइट ये चलिए अपनी फरारी 488 स्पाइडर, और देखते हैं गाइस भाई स्पाइडर है इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहती है। वैसे यार ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी ज़्यादा कम है, फिर भी लेकर चलेंगे हम लोग इसको। ओहो बहुत नीची है। ऑल राइट ये अपनी अपनी फरारी चढ़ चुकी है ऊपर, और भाई सेकंड फ्लोर पर देखने क्या होता है। बहुत अच्छा चल रही गाइस यहाँ पे अपनी फरारी का देख, तो भाई बिल्कुल बेकाबू हो रही है वो, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। और फाइनली गाइस अपनी फरारी जो भाई ऊपर पहुँच चुकी है, तो मैं इसको भी जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी यार बाहुबली गाड़ी अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, और देखते हैं गाइस भाई लेजेंडर है यहाँ पे ये कैसा परफॉर्म करती है। और ये चली गाइस अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर यहाँ पे, और देखते हैं गाइस भाई लेजेंडर है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। ओहो क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पे अपनी लेजेंडर काफ़ी बढ़िया चल रही है। और राइट यहाँ से लेके चलने देखते हैं सेकंड फ्लोर पे क्या सीन होने वाला है। और भाई लेजेंडर भी भाई कितनी उछलती है ये भी, तो गैस फाइन जो लेजेंडर है भाई ये भी उछलते कूदते यहाँ पे पहुँच गई है। तो मैं इसको जल्दी से ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। कदम पा रहे थे यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस की, और ये वाली गाड़ी तो यार अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, तो देखते हैं जो अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस यार इसके साथ क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ऑल राइट यार ये चले अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस, और देखते हैं क्या होता है भाई इसके तो टच करने के जैसे कोई सीन है ही नहीं यार। आप लोग देख तो भाई कितने आराम से ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे, क्या बात है यार। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जो है भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और मुझे लग नहीं रहा कि यार इसको ना कोई भी दिक्कत आने वाली है यहाँ पे। ऑल राइट गाइस और ये वाली गाड़ी इतनी ज़्यादा उछल भी नहीं रही जितनी बाकी गाड़ियों उछल थी, मतलब बाकी तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करी, लेकिन भाई ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं करती मुझे दिख रही है। तो गैस अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस भी यहाँ पहुँच चुकी है, तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब पा रहे थे यहाँ पे अपनी एक इंडियन सेडान की, और ये गैस अपनी होंडा सिटी, और काफ़ी नीची गाड़ी लेकिन सुपर कार से तो काफ़ी ऊंची है, तो लेके चलते हैं अपनी सिटी को भी यहाँ पे, और इतने गैस अपनी होंडा सिटी इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ओहो क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पर अपनी होंडा सिटी भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर जा रही है एक नंबर तरीके से। और मेरे साथ भाई अपनी ये वाली गाड़ी भी ना काफ़ी इजीली ऊपर पहुँच जाएगी, उसको दिक्कत आनी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भाई अपनी सुपर कार्स तो पहुँची थी, सुपर कार्स पावर थी उसमें इतनी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी गैस देख तो अपनी होंडा सिटी यहाँ पे यार बिना किसी दिक्कत के भाई ऊपर चढ़ रही थी। कि भाई उछल देख रहे हो भाई कितना रही है, बहुत ज़्यादा उछल रही गैस अपनी होंडा सिटी यहाँ पे, लेकिन यार ऊपर पहुँच चुकी है। तो भाई इसको मैं जल्दी से यहाँ पार्क करूँ, तो मेरे हिसाब से यार यहाँ पे सारी गाड़ियाँ ऊपर आने वाली, क्योंकि यार सीढ़ियों का जो एंगल है यार वो इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे,
लेकिन फिर भी यार जो गाड़ियों के हम लोग सस्पेंशन है यार, वो हम लोग को पता लग जा रहे हैं कौन सी गाड़ी कितनी उछल रही है यहाँ पे। तो गैजा पा रही आती है यहाँ पे अपनी ऑडी R8 की, और देखते हैं गैजा अपनी ऑडी R8 है क्या कमाल करने वाली है। और राइट यार ये चले अपनी ऑडी R8, और भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से यार पावर तो बहुत है अपनी ऑडी भाई। हो तो गैस काफ़ी स्मूथली जा रही है अपनी ऑडी R8 जो यार यहाँ पे, जैसे देखते हैं उछल तो बहुत रही है भाई। सीढ़ी थोड़ा साइड हो गए थे, कोई बात नहीं यहाँ पे लेके चलेंगे सीढ़ियों पे। ओहो गैस अपनी R8 भी यहाँ पे यार अच्छा खासा उछल रही भाई। टायर पता नहीं कैसे बम्पर के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है ग्लिच से। खैर कोई बात नहीं, अपनी ऑडी R8 भी यहाँ पहुँच चुकी, तो मैं इसको भी यहाँ पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब पारी आती है यहाँ पे अपनी इंडियन कार की, और यह गैस अपनी किया की सेल्टॉस, और देखते हैं गैस जी सेल्टॉस कैसा परफॉर्म करते हैं। वही सेल्टॉस है यार जिसका बम्पर बार बार लड़ जाता था, वैसे यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। और लेट गैस सेल्टॉस अपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से जा रही है यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है यार। तो मेरे हिसाब से अपनी सेल्टॉस को यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली, और काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी सेल्टॉस है यहाँ पे ऊपर चढ़ रही है। और अब यहाँ पे चढ़ाते हैं इसको, ओके सेकंड फ्लोर। और भाई अपनी सेल्टॉस भी भाई बाइक बहुत चल रही है गैस। तो गैस यहाँ पर सेल्टॉस भी ऊपर पहुँच चुकी है, तो मैं इसको भी यहाँ पर जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर हमारी आखिरी गाड़ी की, और यह है गैस अपनी बुगाटी भाई। देखते हैं हवाओं से बातें करने वाली गाड़ी जब सीढ़ी पर चढ़ती है तो कैसी लगती है, आज देखते हैं हम लोग। ऑल राइट गाइस यहाँ पे बुगाटी क्या सस्पेंशन मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं अगर कंपेयर किया जाए भाई अपनी R8 से और भाई बाकी गाड़ियों से। तो भाई यहाँ पर बुगाटी काफ़ी स्मूथली जा रही है यार, क्या बात है। मतलब बुगाटी से मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि इसके सस्पेंशन इतने ज़्यादा बढ़िया होंगे, मतलब कि ये वाली गाड़ी इतनी ज़्यादा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो उछल, अब उछल दी गाइस यहाँ पर थोड़ी बहुत उछल दी अपनी बुगाटी। और भाई भी अपनी ये वाली गाड़ी भी ऊपर पहुंच चुकी है। गाइस इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और भाई आपने देखा होगा अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ ही यहाँ पहुंच चुकी हैं, तो भाई यहाँ पे टाई होता है। लेकिन अगर बात की जाए अपनी सुपर कार्स में सबसे बढ़िया तरीके से कौन सी गाड़ी ऊपर चढ़ी थी, तो मेरे हिसाब से यार वो अपनी रोल्स रॉयस है। और भाई अगर इंडियन कार की बात की जाए तो आप लोगों को पता ही होगा यार सबसे बढ़िया तरीके से भाई अपनी टाटा सफारी डाइकोर करी है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मक्खन तरीके से ऊपर आई। तो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।